यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में डॉक्टर एपीजे कलाम फोरम के इस्तेमाल के बाद तिरंगा ध्वजों को सम्मान के साथ इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया गया। इसके लिए फोरम ने मोबाइल क्रमांक जारी कर लोगों को उस नंबर पर मिस कॉल देने की अपील की है, ताकि धूल मिट्टी से मैले हुए या फटे हुए तिरंगा ध्वज को फोरम सदस्य जमा कर सके और उन सभी ध्वजों को सम्मानजनक तरीके से निपटारा कर सके। पेश है दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा रैली, स्वतंत्रता दिवस, इन तमाम गतिविधियों में अनगिनत तिरंगा ध्वज इस्तेमाल में लाए गए। ऐसे में आजादी के पर्व के बाद उन तिरंगा ध्वजों का क्या, जिनके इस्तेमाल के बाद जिन पर धूल मैल जम चुका हो या फिर कुछ तिरंगा ध्वज फट गए हो। इस सवाल के जवाब के मद्देनजर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम ने सभी तिरंगा ध्वजों को सम्मान के साथ जमा करने और सम्मान के साथ इन तिरंगा ध्वजों का निपटारे का जिम्मा लिया है। इसके लिए फोरम की ओर से मोबाइल नंबर वायरल कर मिस कॉल देने की अपील भी लोगों से की गई है, जिसे जनता से प्रतिसाद मिलता दिख रहा है। इस काबिले तारीफ पहल के बारे में प्रशासकीय अधिकारी और फोरम के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है। शहरातील जे डॉक्टर एपीजे अब्दुल फोरम आहे, ते फोरम ने चांगला उपक्रम केलेला आहे की जो तिरंगा लावण्यात आलेला आहे, हर घर तिरंगा, तो तिरंगा जमा करण्याचं काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामचे फोरम यांच्या टीम चमूने करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। तरी माझे सर्व दिग्रस शहरातील आणि तालुक्यातील नागरिकांना विनंती करतो की आपण आपल्या घरावर 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये लावण्यात आलेला जो तिरंगा आहे, तो सन्मानाने आज 15 ऑगस्ट 2022 सूर्यास्तपूर्व उतरून आपण सन्मानाने या फोरमकडे किंवा संकलन केंद्रावर, नगर परिषदच्या संकलन केंद्रावर जमा करण्यात यावं। कुठल्याही प्रकार दिग्रस शहरामध्ये फाटलेला, चुरगळलेला, मळलेला तिरंगा ध्वज जर सापडला तरी तोही आमच्याकडे तुम्ही सन्मानपूर्वक द्यावा, तो आम्ही शासनाकडे सन्मानपूर्वक परत करू आणि आपल्या तिरंग्याचा आपण मान राखूया। तिरंगा फडकवून झाला त्याचा सन्मान खूप झाला, पण त्याचा अपमान होणार नाही याची काळजी आपण सगळ्यांनी घ्यायची आहे। आणि त्यासाठीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरमनी पुढाकार घेऊन हे अभियान चालू केलेलं आहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम की ये पहल बेहद काबिले तारीफ है, क्योंकि जश्न आज़ादी का खुमार खत्म होते ही अधिकतर लोग अक्सर आज़ादी की अहमियत और तिरंगे के सम्मान और साथ ही तिरंगे के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, क्योंकि तिरंगा फहराना बेहद आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और उसकी गरिमा की रक्षा करना थोड़ा मुश्किल है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।